नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं वेस्टेज चावल से बताऊंगी चावल के फूल बनाना या चरौरी बनाना। तो बचे हुए चावल को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये बहुत ही टेस्टी चरौरी है या चावल के फूल है, तो आप भी इसे बनाइए। आज मैं चावल से नई रेसिपी लाई हूँ, जो कि घर में चावल बच जाता है तो आप उसे यूज में कैसे लें। ऐसे तो इसे फ्राई करके भी खाया जाता है, लेकिन मैं इससे चावल के फूल बनाना बताऊंगी, जिसे चरौरी भी कहते हैं। तो इसे हमें मिक्सी जार में इसे हमें पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाते समय 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, और इस तरह का पेस्ट होना चाहिए। मैं चम्मच से दिखा रही हूँ निकाल कर, इस तरह का होना चाहिए। तो सभी चावलों को इस तरह से हमें पेस्ट बना लेना है। ये हमने पूरे चावलों का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसमें हमें 1 चम्मच अजवाइन डालना है, जिसे हमें हाथ से मसल लेना है अच्छी तरह से। अब इसमें कलौंजी डालेंगे, जिसे मंगरेला भी कहते हैं। काली मिर्च पाउडर दरदरा कुटा हुआ 1 चम्मच, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक 1 चम्मच लेंगे। और इसे हाथों से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है इस तरह से। अब एक थाली ले लेंगे स्टील का, इसमें तेल डाल देंगे। मैंने यहाँ रिफाइंड तेल डाला है, और इसे फैला देना है तेल को हाथ गीला करके पानी में, और इस तरह से बड़ी का शेप देंगे। आप इसे कई रंगों में बना सकते, अलग अलग रंगों की बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें अभी रंग नहीं डाला है, ये मैं प्लेन बना रही हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप अगर इसमें दूसरा रंग से बनाना चाहते हैं तो मैं वो अभी बताऊंगी। इसे धूप में दे देंगे। आप इसे थाली के जगह कपड़े में भी, दुपट्टे का कपड़ा लेकर उस पर भी डाल सकते हैं बड़ी को। अब ये हमने पेस्ट लिया है, इसमें हमने हरा रंग डाला है 1 चुटकी। इस चावल के पेस्ट में इस तरह से हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये फूड कलर है, खाने वाला रंग है। अब ये मैं कपड़े पर डालूंगी, जो हमने दुपट्टा वाला कपड़ा दिखाया था। अब इसमें मैं ऑरेंज रेड कलर डाल रही हूँ 1 चुटकी। मैं इसमें ये बीट रूट का कलर डाली हूँ, और इस तरह से हमें बड़ी का शेप दे देना है। मैंने ये दुपट्टे पर डाला है, आप चाहें तो थाली में भी इसे डाल सकते हैं। और इसे हमें सूखने देना है। जब ये पूरी तरह ऊपर से अच्छे से सूख जाए, तभी ही हमें इसे पलटना है। मैं अभी चेक करना बता रही हूँ। इस तरह से अगर आपको टाइट लगे तो इसे पलट देना है, अगर नरम लगे तो नहीं पलटना है। तो ये अभी सूख चुका है, तो हम इसे पूरे बड़ी को इस तरह से पलट देंगे। कपड़े वाले को भी हमें पलटना है, और ये थाली वाले को भी पलटना है। देख सकते हैं, मैंने सभी को उठा लिया है, और इस तरह से फिर से दूसरी तरफ भी ये अच्छी तरह सूखना चाहिए, तभी इसके फूल अच्छे बनेंगे। ये पूरी तरह अच्छे से सूख गया है। अब मैं इसे फ्राई करके दिखाऊंगी। ये डबल हो जाएगा जब तेल में फ्राई करेंगे, तो तेल पूरा अच्छा गर्म होना चाहिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, ये डालने के बाद ही तुरंत ऊपर में आ जाता है। ये मैंने पहले हाई फ्लेम पर रखा था, डालने के बाद मैं इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। ये 1 मिनट के अंदर ही फ्राई हो जाता है। तो इस तरह ऊपर नीचे चलाते हुए इसे फ्राई करना है। अब इसे हमें ये हो गया है, अब इसे हमें निकाल लेना है। अब मैं दूसरे हरे कलर वाला दिखा रही हूँ। सभी में से मैं थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना दिखा रही हूँ। देख सकते हैं कितना अच्छा से ये फूल रहा है। तो आप भी बचे हुए चावल को इस तरह इस्तेमाल में लेकर ये चावल के फूल बना सकते हैं या चरौरी बना सकते हैं। वैसे तो ये चावल का आटा से भी बनाया जाता है। अगर आपके पास चावल अगर बच जाए तो आप इसे इस तरह से इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही टेस्टी ये चावल के फूल बनते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।